आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। पौड़ी गढ़वाल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने थाना लक्ष्मण झूला में स्मार्ट बैरक का शुभारंभ किया, जिससे ड्यूटी कर रहे सिपाहियों और अधिकारियों को विश्राम करने के लिए बैरक में कोई दिक्कत ना हो सके। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने बताया कि अब पुलिस थानों के साथ ही पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए स्मार्ट बैरक भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को स्मार्ट बैरक के माध्यम से अपने काम को और तेजी से कर पाने की सुविधा मिल सकेगी। पौड़ी पुलिस लगातार इस ओर जो है कार्य कर रही है। इससे पूर्व में भी जो हमारी पुलिस लाइंस की बैरक हैं उन्हें स्मार्ट बैरक के रूप में कन्वर्ट किया गया था। थाना पौड़ी और थाना कोटद्वार में कर्मचारियों की सुविधा के लिए जो है हमने बैरक्स जो हमारी थी उनको अपग्रेड किया था स्मार्ट बैरक के रूप में। और आज जो है थाना लक्ष्मण झूला की भी जो हमारे कर्मचारियों की बैरक है इसे अपग्रेड किया है। कहीं ना कहीं जो हमारे कर्मचारी हैं वो लगातार 18 से 20 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं और जब वो अपने बैरक्स में वापस लौटते हैं अगर उनको अच्छी सुविधा नहीं मिले तो वो उनके हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए कि उनको एक अच्छी सुविधाजनक व्यवस्था मिले इसको देखते हुए हम लोगों ने जो हमारे थाना लक्ष्मण झूला की भी जो बैरक्स है उसको अपग्रेड किया है और काफी अच्छा जो प्रभारी निरीक्षक द्वारा भी इसमें खुद सुपरवाइज करके जो उनके लिए सुविधाएं देनी थी अच्छे उनके लिए अलमेराज बनवाए हैं, अच्छे बेड बॉक्सेस हैं ताकि वो उनका स्टोरेज स्पेस उनको अपना सामान रखने के लिए भी मिल जाए। अभी चार्जिंग स्पेस वगैरह के लिए भी जो उनको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाए उसके लिए भी सुझाव आए हैं तो उसको भी हम आगे और भी जो सुविधाएं हैं वो कोशिश करेंगे कि उनको कर्मचारियों को मिले। ये लगातार जो है हमारा प्रयास है कि हमारे जितने थाने हैं उसमें हमारे कर्मचारियों के लिए एक अपग्रेडेड व्यवस्था उनको मिले स्मार्ट बैरक्स मिले रहने के लिए, तो ये प्रयास हमारा भी जारी रहेगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क से।